हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बालों के झड़ने के बारे में। दोस्तों आजकल ये एक बहुत ही आम समस्या है, बॉयज हो या गर्ल्स, ये प्रॉब्लम सभी के साथ है। सभी के बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे हैं। जब वो कंघी करते हैं या फिर शैम्पू करते हैं तो बालों का गुच्छा उनके हाथ में आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगते हैं। हमें डर यही लगा रहता है कि कहीं हम गंजे ना हो जाएं, हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ ना जाएं। तो हम किसी भी उम्मीद पर किसी भी तरीके से अपने बालों का झड़ना रोकना चाहते हैं, जिसके लिए हम बाज़ार के तरह तरह के केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तरह तरह के डॉक्टर से मिलते हैं, तब भी हमारे बालों का झड़ना नहीं रुक पाता है। तो लेकिन बेफिक्र हो जाइए, आज के इस वीडियो से, आज के इस नुस्खे से आप अपने बालों का झड़ना बिल्कुल बंद कर पाएंगे, वो भी बहुत ही तेज़ी के साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं नुस्खे को। इस नुस्खे में दोस्तों जो मैं चीज़ें लूँगा बहुत ही आसानी से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगी, साथ ही साथ ये नुस्खा बहुत ही सस्ता भी पड़ेगा आपको। तो दोस्तों सबसे पहले इस नुस्खे में हम इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों नारियल का तेल। दोस्तों नारियल का तेल लगभग हर घर में आसानी से मिल जाता है और ये बहुत ही सस्ता होता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको थोड़ा सा नारियल का तेल इस्तेमाल करना है। मैं आपको बता देता हूँ कितनी मात्रा आपको इसमें लेनी है। दोस्तों आप अगर बॉयज हैं तो आपको एक चम्मच लेना है और गर्ल्स हैं तो दो चम्मच लेना है। तो एक चम्मच फिलहाल हम इस नुस्खे में इस्तेमाल करेंगे, एक चम्मच नारियल का तेल हम ले लेंगे। दोस्तों नारियल के तेल में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, जो हमारी बालों की जड़ों में जाकर बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे हमारे बालों का झड़ना रुक जाता है, साथ ही साथ बालों की ग्रोथ भी बहुत तेज हो जाती है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम इसके अंदर विटामिन ई की मात्रा जो है बढ़ा देंगे, जिससे कि आपके बालों की जड़ों को ज्यादा मजबूती मिल सके। तो ये हम इवियन 400 mg का कैप्सूल इसके अंदर यूज करेंगे। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में 20 से 22 रुपए में आसानी से मिल जाता है। तो इसके अंदर हम एक कैप्सूल का यूज करेंगे। दोस्तों बॉयज हो या गर्ल्स, दोनों के कंपैरिजन के हिसाब से मैं आपको क्वांटिटी इसके अंदर बता दूंगा कि कितनी कितनी आप लोगों को इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों इसके अंदर हम इस कैप्सूल को सबसे पहले इसकी इस तरीके से हम कट कर लेंगे, ताकि इसका ऑयल जो है, हम जेल हम इसके अंदर से निकाल सकें। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे दोस्तों। अब इसके अंदर से जो भी ऑयल है वो हम इसके अंदर डाल लेंगे। दोस्तों अगर बॉयज हैं तो एक कैप्सूल लेना है और गर्ल्स को 1 से 1.5 कैप्सूल इस नुस्खे में इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से हमें इसके अंदर विटामिन ई की मात्रा इस तरीके से बढ़ा लेनी है और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। मैं अब आपको बताता हूँ इसको आपको अपने बालों में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, जिससे कि आप अपने बालों का झड़ना रोक पाए। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, इस तेल का इस्तेमाल आपको दोस्तों हफ्ते में 2 से 3 बार करना है। दोस्तों जब आप नहाकर जिस तरीके से अपने बालों की केयर करते हैं, उसी तरीके से आपको अपने बालों की जड़ों में लगाना है और 5 से 7 मिनट बालों की जड़ों में इसकी मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपको इसको सिरे तक अब लगा लेना है। दोस्तों आपको मैं आपको बताता हूँ आपको अपने बालों की केयर कैसे करनी है। दोस्तों आपको अपने बालों में किसी भी केमिकल वाले शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको केमिकल फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप पतंजलि का कोई शैम्पू खरीद सकते हैं, हिमालय का ले सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा शैम्पू जिसके अंदर केमिकल्स ना हो। आप चाहे तो जॉनसन बेबी का जो बेबी शैम्पू होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर केमिकल की मात्रा बहुत कम होती है। तो इस तरीके से आपको यूज करना है और आपको अपने बालों को वीक में सिर्फ 2 से 3 बार शैम्पू करना है। शैम्पू की मात्रा बहुत थोड़ी लेनी है। कई लोग झाग के लिए बहुत ज्यादा शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके बालों के अंदर जो नेचुरल ऑयल है वो खत्म हो जाता है और बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। तो आपको बहुत थोड़ी मात्रा में शैम्पू लेना होता है और अपने बालों की केयर करनी होती है। और जो दोस्तों दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, वो है सुबह की धूप। दोस्तों जो सुबह का समय होता है, उस वक्त जो धूप निकलती है, हल्की हल्की धूप, वो हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर आप सुबह की धूप में बैठें तो आपके बालों की जड़ों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा और आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इस तेल का इस्तेमाल आपको 2 से 3 बार अपने बालों में करना है, बालों में 2 से 3 बार हल्के से शैम्पू करना है और आपको धूप में बैठना है, वो भी सुबह की धूप में। तो अगर इस तरह की केयर आप करने लगेंगे दोस्तों अपने बालों के लिए, तो आप देखेंगे पहले ही हफ्ते के बाद आपके बाल जो है झड़ना पूरी तरीके से रुक जाएंगे और दोस्तों आपके बाल पहले से ज्यादा स्ट्रांग, शाइनी और मजबूत भी दिखेंगे, साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों ये नुस्खा बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों